नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंडियन इकोनॉमिस्ट में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन हुआ है इंडिया और जापान के बीच में इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। जापान की क्या लोकेशन है और स्ट्रेटेजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है जापान इंडिया के लिए, तो ये सब बातें हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं, क्या फायदा होगा इस एमओसी का। तो आने वाले समय में इस एमओसी के द्वारा जितनी भी बायलेटरल कॉपरेशन है, ओके, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इन द फील्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसको और मजबूती मिलेगी भारत और जापान की अगर बात करें तो। और साथ ही साथ ये एज ए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के तौर पर काम करेगा फॉर इंडिया एंड जापान एज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर विद स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप स्टेटस। तो यहां पर अगर इंडिया और जापान की बात करें तो आज के दोस्त नहीं है, बहुत पुराने दोस्त हैं। आप देख सकते हो कि जापानीज मार्केट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जापानीज कार मार्केट है, वो कितने बड़े पैमाने पर इंडिया पर जो है इंडिया में एक्सप्लोर कर चुकी है ऑलरेडी। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे होंडा है, सुजुकी है, ओके, टोयोटा है, ये सभी मोस्टली जापानीज कंपनीज हैं, ओके। तो इंडिया का कितना बड़ा जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो आप इसी आप फील्ड से आप अंदाजा लगा सकते हो, ओके। और इसके अलावा बात करें, और कुछ साल पहले जापानीज गवर्नमेंट ने 0% ब्याज के ऊपर जो था यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन बनाने का यहाँ पर एग्रीमेंट पास किया था भारत सरकार के साथ, ओके। तो अभी भी उसका जो निरीक्षण का काम चल रहा है, ओके। अभी लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया, ओके। तो बहुत जल्दी उसका काम जो है दोबारा से अभी स्टार्ट होगा। तो बुलेट ट्रेन जो अभी पहली भारत में जब लॉन्च होगी, वो भी जो है जापान ही बना के देगा भारत को, ओके। तो यहाँ पर आगे बात करें तो ये जो एमओसी साइन हुआ है, कहाँ कहाँ पर मदद मिलेगी दोनों मुल्कों को। तो सबसे पहली बात तो आ गई, अभी 5G नेटवर्क आने वाला है, ओके। तो वहां पर टेलीकॉम सिक्योरिटी भी चाहिए, ओके। तो यहां पर 5G नेटवर्क में दोनों मुल्क जो है आपस में अच्छे से काम करके अपने आपसी जो रिलेशन है उनको अच्छे से डेवलप करें। तो 5G अगर बात करें, तो जब इंडिया में 3G था, तो उस समय जापान के लोग 5G नेटवर्क यूज करते थे, ओके। तो जापान के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है 5G का, तो हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा जब ऐसी कॉपरेशन जो है हम साइन करेंगे जापान के साथ। और टेलीकॉम सिक्योरिटी भी बढ़ेगी क्योंकि इसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जापान को। साथ ही साथ जो सबमरीन केबल है, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ लेटेस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजीज है, ओके। तो यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग होगी अलग अलग क्षेत्र में अगर जापान के साथ हम ऐसे काम करके चलते हैं। और इसके अलावा जो पब्लिक प्रोटेक्शन है, डिजास्टर रिलीफ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, स्पेक्ट्रम चेन, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, कॉपरेशन इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, बहुत ही प्लेटफॉर्म्स पे हमें जो है कॉपरेशन मिलेगा। तो इंडिया को बढ़िया फायदा जो है जापान से मिल सकता है आने वाले समय में, अगर हम नेटवर्क या टेक्नोलॉजी या फिर इसके अलावा जो ICT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी बात करें तो इस क्षेत्र में बढ़िया आगे हम बढ़ सकते हैं जापान की मदद से, ओके। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें कि कॉपरेशन का क्या फायदा है, तो इंडिया को एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस मिलेगा, ओके। अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी इंडिया के लिए यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ग्लोबल जो है प्रोसेस बनाने के लिए। साथ ही साथ जो कॉपरेशन है ICT टेक्नोलॉजीज में, उससे इंडिया का जो ICT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और मजबूत होगा, आगे और बढ़ेगा, ओके। जितना ट्रस्ट बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा जो है एक्सपेंशन होती जाएगी, ओके। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जापानीज मार्केट की बात करें, तो जैसे भी उन्होंने इंडिया में अपनी मार्केट बनाई है, ट्रस्ट के बेस पे बनाई है, ओके। तो आम लोगों में ट्रस्ट है, जो सुजुकी है या टोयोटा है या होंडा है, तो उस हिसाब से वो अपनी मार्केट जो है एक्सपेंड करते हैं, तो हो भी जाती है। तो कोई भी काम करना हो ट्रस्ट के हिसाब से ही होता है, ओके। तो तभी ही वो मजबूती होती है। तो इंडिया और जापान की जो रिलेशन है, इसमें काफी जो है ट्रस्ट है, ओके। तो यहाँ पर जो विश्वास है वो डोलता नहीं है, यहाँ पर इकट्ठे एज ए पार्टनर जो है आगे काम कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारे जो फील्ड्स हैं वहां पर जो जापान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो जैसे क्वाड कंट्रीज है, ओके, तो वहां पर 4 मेंबर ग्रुप हैं, तो वहां पर जापान इंपॉर्टेंट है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ये सभी जो है चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया था। उसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज करते हैं हम, तो यहां पर भी पहले 3 ही नेशन थे जो यहां पर पार्टिसिपेट करते थे मालाबार एक्सरसाइज में, US, जापान और इंडिया, और 2020 में अभी ऑस्ट्रेलिया को भी अभी शामिल कर लिया। तो इसका मतलब यही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं बढ़ने देंगे, वहां पर जो है जैसे नॉर्मल सी चलती है उसी हिसाब से काम चलेगा इंडो पैसिफिक रीजन में, ओके। तो यहां पर इस कॉपरेशन की बात करें, तो आने वाले समय में जो सबमरीन केबल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजीज है, उससे जो है कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, ओके। खासतौर पे जो सबमरीन के आसपास जो काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, जहाँ जो हमारे जवान हैं,
जहाँ फिर शोर एरियाज के आसपास जो हमारे जवान काम कर रहे हैं, तो वहां पर कनेक्टिविटी कई बार अच्छी नहीं आती, तो काफी जो रिमोट एरियाज हो जाते हैं वो कट जाते हैं इंडिया के मेनलैंड से। तो वहां पर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो जुड़े रहेंगे, पल पल की खबर उनको मिलती रहेगी और देश के साथ वो जुड़े रहेंगे जो भी सिचुएशन होगी। अगर सपोज करो किसी रिमोट एरिया में कोई फंस गया, ओके, जैसे द्रास का एरिया है, रिमोट एरिया है, फंस गया कोई, तो वहां पर अगर किसी ने बाहर निकलना है तो कोई बोलेगा, ठीक है, कुछ किसी को कनेक्टिविटी होगी तभी तो दूसरी जगह अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएगा। सो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तभी वहां से कोई एक्टिविटी होगी, उनको जो है रेस्क्यू कर सकता है। ओके, तो रिमोट एरियाज को जोड़ेंगे तो इससे हमें फायदा होगा आने वाले समय में। और एमओसी का जो मेन एम है वही है कि ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट करना है इन द फील्ड ऑफ आईसीटी, ओके, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको भी डेवलपमेंट मिलेगा, जो कि भारत सरकार जो उसको पहले से ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर इंडिया में जैसे डेवलप हो रहा है अलग अलग वेरियस फील्ड्स में, तो यहां पर बेसिकली जो आत्मनिर्भर भारत है वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव करेंगे। ऐसा सपना जो है वो साकार होता नजर आ रहा है, जैसे अगर हम ऐसे एग्रीमेंट साइन करेंगे, ऐसे कॉपरेशन बना के आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आप देखिए ये जापान है सारा, ओके, तो ये आइलैंड है, ये भी जापान का आइलैंड है सपोरा, ओके, तो यहां पर भी ये सारे जापान के आइलैंड है, ओके, तो इधर इधर वाली साइड सी ऑफ जापान पड़ता है। और ये है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है एक पेनिनसुला है जो तीन तरफ से जो है समुद्र के पानी से घिरा है। जो भी आइलैंड, जो भी कंट्री तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये ईस्ट चाइना सी है इस साइड, ये शंघाई है, ये येलो सी है। थोड़ा फर्क देखिए, येलो सी कहां पर है, येलो सी चाइना और ये कोरिया के बीच में पड़ता है। और सी ऑफ जापान जो है ये रशिया और साउथ कोरिया और जापान के बीच में पड़ता है सी ऑफ जापान। तो ये ताइवान है, ये हांगकांग है, ये फिलीपींस सी है, ओके, तो ये पूरा का पूरा जापान है। ध्यान से थोड़ा नजर घुमा लीजिए इसको, इसके ऊपर, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये हिरोशिमा है, ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ पर। ये टोक्यो है जो इसकी कैपिटल है जापान की, तो इंपॉर्टेंट है इसका आपको लोकेशन पता होना चाहिए, येलो सी कहाँ पर है, ओके, सी ऑफ जापान कहाँ पर है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान में आप रखिएगा। तो आई होप यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।